दोस्तों, कंप्यूटर सीखने से पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की जानकारी होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। जैसे संख्या, वर्णमाला, आंकड़ों को प्रोसेस करता है, फिर उन्हें डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जो हिंदी फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज को माना गया है। इन्होंने सन 1822 में आविष्कार किया, इसी कारण फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर क्या है इसके बारे में आप जान लिए। अब हम अगला जानते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, सी से कॉमन आमतौर पर, ओ से ऑपरेटिंग संचालित, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर विशेष रूप से, यू से यूज प्रयुक्त, टी से टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, ई से एजुकेशन यानी शिक्षा, आर से रिसर्च यानी खोज। ये होते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म। यहां पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट असेंबल होते हैं। इसको हम मॉनिटर बोलते हैं, ये हमारा स्पीकर है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू है, ये स्पीकर है, ये माउस है, माइक्रोफोन, हेडफोन, और यहां पर जो दिया इसको बोलते हैं प्रिंटर। इतने सारे उपकरण की आवश्यकता होती है एक कंप्यूटर को कंप्लीट करने में। अगला हम जानते हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। यहाँ पे जो पहला जनरेशन दिया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन है, 1946 से लेके 1959 तक जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था वैक्यूम ट्यूब का। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में यूज होता था ट्रांजिस्टर का। उसके बाद थर्ड जनरेशन में यूज होने लगा इंटीग्रेटेड सर्किट का। फोर्थ जनरेशन में यूज होने लगा VLC माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में यूज होने लगा ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ये है कंप्यूटर के जनरेशन। अगला हम समझ लेते हैं कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, मतलब वर्क कैसे करता है। तो देखिए, कीबोर्ड, माइक, माउस, स्कैनर और वेब कैम के द्वारा हम डेटा इनपुट करते हैं। फिर वो डेटा सीपीयू में जाता है जहां पे प्रोसेस होता है और हमें दिखाई देता है आउटपुट के माध्यम से मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, डेटा और प्रोजेक्टर। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को देखते हैं। अब अगला हम समझ लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसको हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं, जिसकी सहायता से हम डेटा को एंटर करते हैं, जिसमें सामान्यतः की 104 के आसपास होती है। अगला हम समझते हैं माउस। माउस क्या है, व्हाट इज माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम होता है पॉइंटर डिवाइस। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने और बंद करने में किया जाता है, जिसे हम माउस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये माउस का पिक्चर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निकला हुआ ये केबल होता है जो आपके सीपीयू में कनेक्ट होता है। ये आपका गड़ारी है जिसको हम व्हील कहते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। ये हमारा राइट साइड का बटन है, किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी फोल्डर का, किसी भी फाइल का हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। और ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट बटन है जिससे हम किसी भी फोल्डर को, फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ले आते हैं या उसको फिर ओपन करते हैं डबल क्लिक करके।